नुआपाड़ा क्षेत्र में हाथी के दल के विचरण करे के खबर मिले है, जेकर ले क्षेत्र में दहशत के माहौल है। देखो रिपोर्ट। नुआपाड़ा जिला के कोमना ब्लॉक अंचल में गत मंगलवार के 28 हाथी मन के दल पहुंचे ले पूरा अंचल में भय के माहौल बन गए रही। बुधवार के सुबह हाथी मन के दल वापस लौटे के बाद ग्रामीण मन सहित वन विभाग ह राहत के सांस ली। ए बीच हाथी मन के दल ह किसान मन के फसल ल काफी नुकसान पहुंचाई। उल्लेखनीय हो ही के 3 दिन पहली 13 जनवरी के पड़ोसी जिला बलांगीर के सीमांचल हाथी मन के झुंड के विचरण करत देखे गए हैं। हाथी मन के दल मंगलवार के बलांगीर जिला के तुरेकेला ब्लॉक के भीतर आए वाले खोजेन बंधनपाली गांव ले नुआपाड़ा जिला प्रवेश करी। जिला के कोमला ब्लॉक मुख्यालय ले मात्र 3 किलोमीटर में स्थित पेंड्रा बांध के समीप स्थित झंकारी पाली के भालू बहाल डूंगरी में हाथी के झुंड के हो के सूचना पा के वन विभाग दल बल के संग मौका में पहुंची और आसपास के गांव के ग्रामीण मन ला सतर्क रहे के हिदायत देत हुए पूरा घटना में नजर रखी गई। वन विभाग उक्त अंचल में लोगन के आए जाए में पाबंदी लगाए के निर्देश जारी करे रही। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण ले रात्रि में ए अंचल में बिजली बंद कर दिए गई, जेखर ले पूरा कोमना ब्लॉक अंचल में हाथी मन के भय के संगे संग अंधेरा में भी रही। बताए गए हैं कि हाथी मन के दल दिन में जंगल में छुप के रहते और रात के आने स्थान में चले जाते। हाथी मन के ये दल ह जिला के कोमना ब्लॉक अंचल में विभिन्न स्थान में पहुंच के किसान मन के फसल ला काफ़ी नुकसान करत है। बहरहाल हाथी मन के दल बुधवार के बिहनिया वापस बंधनपाली लौट गए हैं। नुआपाड़ा जिला ले डिजिटल रिपोर्टर राकेश शर्मा की रिपोर्ट।